हम अब आ जाते हैं हमारा मेन टॉपिक जो है एनिमल क्लासिफिकेशन का। टाइम टू टाइम बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने अपना अपना क्लासिफिकेशन दिया बेस्ड ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ क्राइटेरिया। तो सबसे पहले अपना क्लासिफिकेशन देने के लिए एरिस्टोटल नाम के साइंटिस्ट ने प्रेजेंट किया। उन्होंने क्लासिफाई किया एनिमल को उनकी बॉडी की साइज़ के बेसिस पे, उनका हैबिट कैसे वो रहते हैं, क्या क्या चीज़ें वो डेली बेसिस पे करते हैं। थर्ड उनका हैबिटेट, वो कहाँ रहते हैं, कैसे जगह में वो सर्वाइव कर सकते हैं, क्या एटमॉस्फेयर उनको लगता है उनके सर्वाइवल के लिए। ये तीन चीज़ों के बेसिस पे उन्होंने एनिमल को क्लासिफाइड किया। बट और साइंटिस्ट जब आगे आए और लोगों ने और ज़्यादा स्टडी करके क्लासिफाई किया लोगों को एनिमल्स को, तो पता चला ये सिर्फ इतनी चीज़ें ज़रूरी नहीं है एनिमल के क्लासिफिकेशन के लिए। इसलिए इस क्लासिफिकेशन को उन्होंने नाम दे दिया आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। जब और साइंटिस्ट लोग आके, फॉर एग्जांपल थियोफास्ट्रस, लिनायस एट्सेट्रा नाम के साइंटिस्ट जब आए और उन्होंने अपना अपना क्लासिफिकेशन पुट फॉरवर्ड किया, तो उन्होंने नेचुरल सिस्टम पे बेस क्लासिफाई किया। जैसे कि उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उनकी बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज्ड है और कैसे वर्क करती है वो। सेकंड, टाइप्स ऑफ सेल्स, मतलब वो मल्टी सेल्यूलर है कि यूनिसेल्यूलर है, उसके बेसिस पे। थर्ड, क्रोमोसोम्स नंबर, कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट है, कौन से क्रोमोसोम किसमें प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे। एंड लास्टली बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़, मीन्स उनका क्या केमिकल, क्या प्रोडक्शन हो रहा है, क्या प्रॉपर्टीज़ है उसके अंदर, उसके बेसिस पे उन्होंने सिस्टम, हमारे एनिमल सिस्टम को फर्दर क्लासीफाई किया। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन के बेसिस पे एनिमल्स क्लासीफाइड थे दो पार्ट में, पहला नॉन कॉर्डेट्स, दूसरा कॉर्डेट्स। अब नॉन कॉर्डेट्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आती थी या वो किस बेसिस पे डाले गए कि ये नॉन कॉर्डेट्स है। पहला, नॉट सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड, सबसे पहले इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है। अब नोटोकॉर्ड क्या होता है, एक ऐसा बोन जो उनको सपोर्ट करता है ग्रो करने के लिए, या उनके बैकबोन में वो प्रेजेंट होता है जो उनको इरेक्ट पोस्चर दे सकता है, या फिर जो उनको हेल्प करता है कि उसके सपोर्ट से बॉडी ग्रो हो, वो प्रेजेंट नहीं है। सेकंड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स एब्सेंट रहता है। अब फेरेंजियल गिल स्लिट्स क्या है, वो एक ओपनिंग है बिटवीन फेरिंग्स और थ्रॉट जो प्रोवाइड करता है उनको रेस्पिरेशन के लिए, वो यूजुअली एब्सेंट होता है नॉन कॉर्डेट्स में। थर्ड, नर्व कॉर्ड मोस्टली एब्सेंट, या फिर प्रेजेंट भी रहा बहुत रेयर केसेस में तो वो सॉलिड और पैड रहता है। नर्व कॉर्ड क्या होता है, जो नर्वस फंक्शन करने के लिए यूज़ होता है या फिर नर्वस सिस्टम को फंक्शन करता है, वो यूजुअली एब्सेंट है। फोर्थ और लास्टली हार्ट, अगर प्रेजेंट रहा तो वो डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट रहेगा। अब देखते हैं हम कॉर्डेट्स के क्या क्या फीचर्स थे और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। सबसे पहले इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा, ये बॉडी में बैकबोन में वो नोटोकॉर्ड रहेगा, रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो सपोर्ट करेगा हमारी बॉडी को। सेकंड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स या फिर लंग्स, हम सबकी बॉडी में लंग्स प्रेजेंट है रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के लिए। थर्ड, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट ही है, हमारे नर्वस सिस्टम प्रॉपरली वर्क करता है और हमारे में नर्व्स सारे प्रेजेंट है। लास्टली हार्ट प्रेजेंट है और वो वेंट्रल साइड पे। तो ये दो मेजर क्लासिफिकेशन थे ट्रेडिशनल मेथड के, दैट इज नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, और हम देखें अभी उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे। अब हम आगे देखते हैं आगे कैसे कैसे क्लासिफाइड है हमारे एनिमल्स। नेक्स्ट है हमारा एनिमल क्लासिफिकेशन का पूरा डिटेल। अब और साइंटिस्ट लोगों ने और फर्दर स्टडी की तो उसके बेसिस पे एक कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्लासिफाई हुआ, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा किंगडम एनिमेलिया। अब किंगडम एनिमेलिया हमने ऑलरेडी देखा ट्रेडिशनल मेथड में दो वे में क्लासिफाइड है, दैट इज़ नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। बट और स्टडी करने के बाद हम उसको और सब डिवाइड करते गए और फर्दर हर चीज़ के बेसिस पे, उनके सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। तो जो सब किंगडम नॉन कॉर्डेट्स थे वो फर्दर फाइलम में, बहुत सारे फाइलम में क्लासीफाई हो गए। जैसे कि सबसे पहला फाइलम है फाइलम प्रोटोजोआ, नेक्स्ट पॉरीफेरा, निडारिया, प्लैटीहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनेलिडा, मॉलुस्का, ऑर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, टोटल 10 फाइलम में क्लासीफाई हुए।
अब हर एक फाइलम की क्या स्पेशलिटी है, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, हम लेटर ऑन देखेंगे। उसके पहले हम देखते हैं कॉर्डेट्स किस में कैसे डिवाइड हुआ। कॉर्डेट्स वो फर्दर फाइलम कॉर्डेटा में डिवाइड हुआ। अब फाइलम कॉर्डेटा तीन चीज़ों में क्लासीफाई हुआ। सबसे पहले यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड थर्ड वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेट्स में फर्दर छः पार्ट में वो क्लासीफाई हुए। सबसे पहले साइक्लोस्टोमेटा, देन पाइसेस जो पानी में रहने वाली चीज़ें हैं, एम्फीबियंस जो पानी एज वेल एज ऑन लैंड पे सर्वाइव कर सकते हैं, थर्ड रेप्टाइल्स धीरे धीरे लैंड पे आने लगे, फॉरेस्ट में आने लगे एनिमल्स, देन एव्स एरियल हवे में उड़ने लगे जितने भी बर्ड्स एंड ऑल है, लास्टली मैमल्स जिसमें हम ह्यूमन बींग क्लासीफाई होते। ये हमारा कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन है। अब हम एक एक फाइलम को फर्दर स्टडी करेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, उनकी स्पेशलिटी, उनके हैबिट्स, उनके हैबिटेट्स। अभी हमने स्टडी किया कन्वेंशनल सिस्टम क्लासिफिकेशन, पूरा चार्ट हम देखे किंगडम एनिमेलिया हमारा कैसे कैसे क्लासिफाइड है और कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से क्राइटेरिया के बेस्ड पे हमारा एनिमल सिस्टम क्लासीफाई हुआ है। सबसे पहले क्राइटेरिया है ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हमारे एनिमल्स कुछ कुछ यूनिसेल्युलर है और कुछ कुछ मल्टीसेल्युलर है। तो मल्टीसेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में या फिर मल्टीसेल्युलर एनिमल्स में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट रहते हैं और हर एक सेल का अलग अलग रोल होता है, अलग अलग फंक्शन होता है और वो नेसेसिटी के हिसाब से वो फंक्शंस परफॉर्म करते। वेयर एज जो यूनिसेल्युलर एनिमल्स है उनमें सिर्फ एक सिंगल सेल प्रेजेंट होता है और वो सिंगल सेल ही सारे काम परफॉर्म करता है। हर चीज़, हर फंक्शन, बी इट नर्वस फंक्शन, एक्सक्रीटरी फंक्शन, जितने भी फंक्शंस हमारी बॉडी में इन्वॉल्व है वो सारा काम करता है एक सिंगल सेल। वो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में फॉल होता है क्योंकि एक सिंगल सेल ही सारे फंक्शंस कैरी आउट कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा सेल्युलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेल्युलर ग्रेड जो ऐसे एनिमल्स है, मल्टी सेल्युलर तो है बट उनके सेल्स टिश्यू फॉर्म नहीं किए, सेल्स सारे ग्रुप होके टिश्यू नहीं बनाए हैं, उनका जो सेल्स है वो सेलुलर लेवल पे ही सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, टिश्यू का कुछ रोल नहीं आ रहा है, इसलिए वो है सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें आते हैं पॉरीफेरा, जितने भी पॉरीफेरन एनिमल्स है वो सारे सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। नेक्स्ट ऐसे एनिमल्स जिनके सेल्स टिश्यू फॉर्म कर रहे हैं, टिश्यू का भी रोल आ रहा है, वो भी कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आते हैं एनिमल्स जो निडारिया में क्लासिफाइड है, फाइलम निडारिया में जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। थर्ड, सेल भी फॉर्म हुआ, सेल ऑर्गेनाइज होके ग्रुपों के टिश्यू बनाया और टिश्यू भी ग्रुपों के कुछ ना कुछ ऑर्गन्स बनाए बट सारे ऑर्गन्स फॉर्म नहीं हुए, कुछ कुछ ऑर्गन्स फॉर्म हुए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जितने भी फ्लैट वर्म्स है वो सारे इस कैटेगरी में फॉल होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, सेल भी फॉर्म हुआ, टिश्यू भी फॉर्म हुआ, टिश्यू से बहुत सारे ऑर्गन्स भी बने और बहुत सारे ऑर्गन्स कंबाइन होने के बाद ऑर्गन सिस्टम भी बना। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से हर एक का फंक्शन अलग हो रहा है, फॉर एग्जांपल नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जितने सारे फंक्शंस है वो सब कैरी आउट हो रहे हैं ईजीली। तो उसमें कौन से एनिमल्स आते हैं, ये सारे एनिमल्स को छोड़ के जितने भी हमारे एनिमल्स बचे हैं वो सब आते हैं ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये हमारा पहला क्राइटेरिया था, दैट इज़ ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी हम फर्स्ट कैटेगरी या फिर क्राइटेरिया जो स्टडी कर रहे थे वो था ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्राइटेरिया है हमारा बॉडी सिमेट्री। अब बॉडी सिमेट्री क्या होता है, मीन्स अगर हम हमारी बॉडी या फिर कोई भी एनिमल्स की, इंसेक्ट्स की बॉडी को कोई भी एक इमेजिनरी एक्सिस से कट करेंगे तो वो टू इक्वल हाफ्स दे रही है या नहीं दे रही है, उसके बेसिस पे हमारी बॉडी सिमेट्री तीन पार्ट में क्लासिफाइड है। सबसे पहला असिमेट्रिकल बॉडी। असिमेट्रिकल बॉडी मीन्स
कि अगर हम कोई भी एक्सेस से कहीं से भी कोई से एंगल से कट कर ले बॉडी को तो वो कोई भी इक्वल हाफ नहीं देगी। फॉर एग्जांपल जो अमीबा होता है ऐसे रैंडम शेपलेस है, वो कोई भी शेप का होता है, तो अगर हम उसको ऐसे कट करें ऐसे कट करें ऐसे कट करें तो भी हमको इक्वल हाफ नहीं मिलेगा यहाँ पे, इसलिए इसको बोलते हैं हम असिमेट्रिकल बॉडी। नेक्स्ट है हमारा रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मीन्स कि अगर हम कोई भी एक्सिस से कोई भी एक इमेजिनरी एक्सिस से बॉडी को कट करें तो हमको टू इक्वल हाफ्स मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल स्टार फिश, जो ऐसे स्टार फिश ऐसे शेप का कुछ होता है, तो अगर हम यहाँ से कट करें यहाँ से कट करें ऐसे कट करें ऐसे कट करें तो हमको कहीं ना कहीं से इक्वल हाफ मिलेगा ही, इसको बोलते हैं हम रेडियल सिमेट्री। लास्ट है हमारा बायलैटरल सिमेट्री बॉडी या फिर बायलैटरल सिमेट्रिकल बॉडी, इसको हम बोल सकते हैं। बायलैटरल हमको नाम से ही समझ में आ रहा है, दो या फिर एक ही लाइन एक इमेजिनरी एक्सिस से पास होगी और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी इजीली, इसको हम बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी या फिर कोई इंसेक्ट्स या फिर फिश, ये बायलैटरली सिमेट्रिकल है, सिर्फ एक ही एक्सिस से एक ही लाइन पास हो सकती है, वेर एज रेडियल सिमेट्री में हम पांच लाइन पास कर सकते हैं और बायलैटरल सिमेट्रिकल में सिर्फ एक ही लाइन हम पास कर सकते हैं और वो टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। ये था हमारा बॉडी सिमेट्री का क्लासिफिकेशन। थर्ड क्राइटेरिया है हमारा जर्म लेयर्स या फिर जर्माइनल लेयर्स भी हम बोल सकते हैं, दैट इज़ डिप्लोब्लास्टिक हो सकते हैं इसके बेसिस पे या फिर कुछ एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक हो सकते हैं। अब जर्म लेयर्स इनिशियल पीरियड से ही स्टार्ट हो जाता है फॉर्म होना बॉडी में, दैट इज़ एम्ब्रियोनिक स्टेज से ये डेवलपमेंट होने लगता है। अब बहुत सारे एनिमल्स में सिर्फ दो ही जर्म लेयर फॉर्म होते हैं, जैसे कि सिर्फ एक एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, जिसमें दो ही लेयर प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। उसमें आते हैं निडारियंस, जो निडारिया क्लासिफिकेशन है हमारे एनिमल का, उसके जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट है वो सारे डिप्लोब्लास्टिक है, उसमें दो ही लेयर्स प्रेजेंट है, दैट इज़ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। वेर एज हमारे कुछ एनिमल्स या फिर जितने भी बचे हुए निडारिया को छोड़ के जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट है वो सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है, दैट मीन्स उसमें तीन लेयर प्रेजेंट है, दैट इज़ एक मीजोडर्म जो लेयर है वो एक एक्स्ट्रा आ जाता है, उसके अलावा एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म प्रेजेंट ही रहते हैं। अब ये जो लेयर्स हमारे प्रेजेंट है वो हेल्प करते हैं टिश्यू फॉर्म करने में और फिर टिश्यू से ऑर्गन्स एंड देन ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, तो इसके बेसिस पे भी कुछ एनिमल्स क्लासीफाई किए गए हैं, दैट इज़ जर्म लेयर्स। नेक्स्ट क्राइटेरिया है हमारा बॉडी कैविटी। अब बॉडी कैविटी क्या होती है या फिर इसको हम सीलोम भी बोल सकते हैं, जो स्पेस रहती है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स और बॉडी के बीच की वो फिल्ड रहती है कुछ फ्लूइड से जिसको हम बोलते हैं सीलोम। अब वो कैविटी फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है इनिशियल पीरियड से ही, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज से ही वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। अब बहुत सारे एनिमल्स में वो तब से ही डेवलप होती है और वो कैविटी ट्रूली प्रेजेंट रहती है। फॉर एग्जाम्पल एनेलिडा या फिर एनेलिडा के बाद जितने भी फाइलम आते हैं वो सारे फाइलम में बॉडी कैविटी ट्रूली प्रेजेंट होती है। ये फॉर्म होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में मीजोडर्म से या फिर गट से, तो इसको हम बोल सकते हैं ट्रू बॉडी कैविटी या फिर यूसिलोमेट। वेयर एज बहुत सारे फाइलम में ये जो बॉडी कैविटी है एब्सेंट होती है, प्रेजेंट ही नहीं होती है, या ये मीजोडर्म इसमें फॉर्म ही नहीं होता है या फिर वो फॉर्म नहीं कर पाता है कुछ भी रीज़न से, तो इसके लिए हम बोलते हैं इसको असिलोमेट। अब इसमें आते हैं पॉरीफेरा, निडारिया एंड प्लैटियलमिंथस, ये तीनों फाइलम असिलोमेट में आते हैं। अब हमारा लास्ट है सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट मतलब इसमें फॉल्स सिलोम प्रेजेंट रहता है, जैसे कि एस्क्यूलमिंथस है उसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट है बट वो ट्रूली प्रेजेंट नहीं रहती है, और जिस वे से ट्रू बॉडी कैविटी में सिलोम प्रेजेंट होता है वैसे इसमें प्रेजेंट नहीं रहती है, इसके लिए हम इसको बोलते हैं सूडोसिलोमेट। इसमें आते हैं एस्क्यूलमिंथस, तो ये हमारा बॉडी कैविटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट हमारा क्राइटेरिया है बॉडी सेगमेंटेशन। अब सेगमेंटेशन नाम से ही हमको समझ में आ रहा है छोटे छोटे सेगमेंट या छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड होना, तो ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी पार्ट्स
बहुत सारे छोटे छोटे सिमिलर यूनिट्स में डिवाइडेड है, उसको बोलते हैं हम बॉडी सेगमेंटेशन। फॉर एग्जांपल अर्थवर्म, अर्थवर्म की बॉडी छोटे छोटे पार्ट्स में या सिमिलर यूनिट्स में डिवाइडेड है, इसलिए वो आते हैं सेगमेंटेड बॉडी में, और ये भी एक क्राइटेरिया यूज हुआ है एनिमल क्लासिफिकेशन के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं पहले फाइलम से, दैट इज फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा में कौन से एनिमल्स आएंगे, इनके क्या एग्जांपल्स हैं और इनके क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं? सबसे पहले इस एनिमल्स में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, उस छोटे छोटे पोर्स को हम ऑस्टिया भी बोल सकते हैं। सेकंड, ये सारे एनिमल्स एक्वाटिक एनिमल्स है, जिसमें से कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और कुछ मरीन वाटर में पाए जाते हैं। थर्ड, ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये इनकी बॉडी असिमेट्रिकल है, हम इनको टू हाफ में कोई भी एक्सेस से कट नहीं कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट, इनके एक स्पेशल फीचर है, दैट इज़ इनमें एक कॉलर सेल नाम का सेल प्रेजेंट होता है, इनके अंदर कॉलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये बॉडी में अपने फूड ईजिली कंज्यूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। एंड ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, उनको भी अपना ये फूड बना लेते हैं, और इसके अंदर स्पेक्यूल्स और स्पॉन्जियम प्रेजेंट होता है, जैसे कि इसको हम स्पॉन्जिला या फिर स्पॉन्ज बोल सकते हैं, ये स्पॉन्ज की तरह होते हैं। एंड इनमें रिप्रोडक्शन बाय बर्डिंग होता है, और कुछ कुछ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पॉसिबल है। अब इसके एग्जाम्पल्स है एक साइकॉन स्पॉन्ज एंड स्पॉन्जिला। नेक्स्ट फाइलम है हमारा फाइलम निडारिया। अब निडारिया फाइलम की क्या क्या क्लासिफिकेशन है? इनकी बॉडी सिलिंड्रिकल शेप में होती है, या फिर कुछ कुछ की अम्ब्रेला लाइक शेप में भी होती है, और ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, और इनमें कुछ टेंटेकल्स, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक हाइड्रा का डायग्राम है, हाइड्रा एनिमल का जो निडारिया क्लासिफिकेशन में पाया जाता है। ये जो यहाँ पे प्रेजेंट है उनके माउथ के साइड पे, उसको हम बोलते हैं टेंटिकल्स। अब इसका क्या रोल है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है और ये क्या हेल्प करता है हाइड्रा को? ये हेल्प करता है उनका प्रे कैच करने के लिए। अब प्रे क्या होता है? प्रे मीन्स दूसरे एनिमल्स जिनको वो एज अ फूड इंक्लूड करते हैं अपने बॉडी में। तो एनिमल्स जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मार के खाने के लिए ये टेंटिकल्स यूजफुल होता है। और ये जो इनकी बॉडी है ये सिलिंड्रिकल शेप में है, और यहाँ पे जो बर्डिंग के थ्रू इनका रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ पे ये न्यू बर्ड आ जाते हैं। नेक्स्ट, यहाँ साइड में इनकी ओवरी प्रेजेंट रहती है, और टेंटिकल्स के पास ही इनका माउथ भी प्रेजेंट रहता है, और इनमें नीडोब्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। नीडोब्लास्ट क्या करता है? नीडोब्लास्ट का ये रोल है कि जो टेंटिकल्स ने प्रे को कैच किया है उसमें टॉक्सिन इंजेक्ट करने के बाद उनको मारने के लिए काम आता है, और ये बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट भी करता है उनको, तो ये प्रोटेक्शन के लिए भी प्रेजेंट रहता है। और ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, स्पेशली मरीन वाटर में ही पाए जाते हैं, सिर्फ कुछ कुछ निडारियंस ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल जेलीफिश या फिर ओरेलिया, उसका बायोलॉजिकल नेम, वो भी निडारियंस में आता है। हाइड्रा जो अभी हम देखे थे वो भी निडारिया ग्रुप में ही आता है। नेक्स्ट एडम्सिया, या फिर हम उसको सी एनिमोन भी बोल सकते हैं, वो भी एक निडारियन है। तो ये सारे एनिमल्स निडारिया क्लासिफिकेशन में आते हैं, और ये इनके स्पेशल फीचर्स है। नेक्स्ट फाइलम है हमारा फाइलम प्लैटिहेलमिंथस। इनकी बॉडी कैसी होती है? इनकी बॉडी स्लेंडर होती है और फ्लैट होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, जैसे कि हम इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा लीफ लाइक बॉडी इनकी दिखाई गई है, लीफ जैसे इनका स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसलिए ये फ्लैट भी होते हैं और स्लेंडर भी होते हैं, इसलिए इनका नाम एक फ्लैट वर्म भी दिया गया है। ये मोस्टली एंडोपैरासाइटिक होते हैं। अब एंडोपैरासाइटिक क्या होता है? एंडोपैरासाइटिक मीन्स एनिमल्स जो दूसरे बॉडी, जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं एंडोपैरासाइटिक। बट कुछ कुछ फ्री लिविंग भी है और कुछ कुछ एक्वेटिक भी है, मतलब पानी में भी हमें पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट, ये असिलोमेट होते हैं। असिलोमेट मीन्स, अभी हम स्टार्टिंग में जो क्राइटेरिया देखे थे क्लासिफिकेशन का, बॉडी कैविटी और सीलोम प्रेजेंट होना, इनमें वो कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है, और ये बायलैटरली सिमेट्रिकल है, मीन्स हम यहाँ पे एक एक्सिस से
ऐसे कट करेंगे तो ये दो इक्वल हाफ में इजीली डिवाइड हो सकते हैं। और इनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स हम वो भी क्लासिफिकेशन में देखे थे, दैट मीन्स इनमें तीन जर्माइनल लेयर प्रेजेंट है, दैट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ये तीनों लेयर इनमें इजीली और इनके एम्ब्रियोनिक स्टेज के डेवलपमेंट टाइम से ही प्रेजेंट होता है। लास्ट ये हर्माफ्रोडाइट है। अब हर्माफ्रोडाइट टर्म का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एक ही बॉडी में प्रेजेंट होता है। इसमें ही तुमको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी मिल जाएगा और इसमें ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी मिल जाएगा। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज हर्माफ्रोडाइट। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर एक हमने जो ड्रॉ किया है वो लीवर फ्लूक है, ऐसे प्लानेरिया भी है और टेपवर्म भी है एटसेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे फाइलम प्लैटिहेलमिन्थस के। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है फाइलम एस्केलमिन्थस का। अब इनके क्या क्या स्पेशलिटी है और इनके क्या क्या स्पेशल फीचर्स है? सबसे पहले इनकी बॉडी नॉन सेगमेंटेड होती है। इन ये बॉडी छोटे छोटे पार्ट्स में या फिर सिमिलर यूनिट्स में डिवाइडेड नहीं है और इनकी बॉडी का शेप होता है लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसके लिए हम इसको राउंड वर्म या फिर एक अलग नाम दैट इज़ राउंड वर्म भी दे सकते हैं। और ये एंडो पैरासाइटिक होते हैं, मतलब ये एनिमल्स भी जैसे हम प्लैटिहेलमिन्थस में देखे थे कि एक दूसरे एनिमल्स के ऊपर सर्वाइव करते हैं, वैसे ही ये एस्केलमिन्थस भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जाके अटैक करके उस पर सर्वाइव करते हैं। और कुछ कुछ फ्री लिविंग भी है। फ्री लिविंग जो है वो कुछ एक्वाटिक है और कुछ टेरेस्ट्रियल है। एक्वाटिक मीन्स पानी में रहते हैं और टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड पे भी रहते हैं। और इनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स तीनों जर्माइनल लेयर्स इसमें प्रेजेंट है, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। और ये असिलोमेट है, ये सूडो सिलोमेट है, मतलब इनकी जो बॉडी कैविटी में सिलोम जो भी प्रेजेंट होता है वो फॉल्स है, वो जर्माइनल लेयर या फिर जो गट हम स्टार्टिंग में क्राइटेरिया में देखे थे वहाँ से नहीं डेवलप होता है। इसके लिए यह सूडो सिलोमेट है और इनकी बॉडी नॉन सेगमेंटेड है। और इनके अंदर एक स्पेशल फीचर है, दैट मीन्स इनकी जो बॉडी है वो क्यूटिकल से कवर्ड होती है, वो थिक और हार्ड होता है। नेक्स्ट ये यूनिसेक्सुअल है, मतलब एक मेल एस्कारिस अलग, फीमेल एस्कारिस अलग, दोनों सेक्सुअल ऑर्गन सिस्टम एक ही बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है। सबसे पहला जो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है देख लेते हैं एस्कारिस। इसको एक हम इंटेस्टाइनल वॉर्म भी बोल सकते हैं क्योंकि ये यूजुअली ह्यूमन बॉडी के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है और वहाँ पे ये अटैक करता है। अब ये फीमेल एस्कारिस का डायग्राम है, मीन्स फीमेल एस्कारिस मेल एस्कारिस के कंपेरिजन में थोड़ा सा लॉन्ग होती है। इसके यहाँ पर नीचे टेल, यहाँ पे होल प्रेजेंट होता है और ये टॉप पे माउथ। वेयर एज मेल एस्कारिस फीमेल के कंपैरिजन में शॉर्ट होता है एंड इसका माउथ यहाँ स्टार्टिंग में, लास्ट में टेल एंड यहाँ पे होल। तो ये हो गया हमारा एस्कारिस जो यूजुअली इंटेस्टाइन में ही प्रेजेंट होता है। ऐसे और भी एनिमल्स है, दैट इज फाइलेरियल वर्म और एट्सेट्रा। ये सारे हमारे फाइलम एस्केलमिन्थस के क्लासिफिकेशन में आते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा फाइलम एनेलिडा। अब इस एनिमल्स के क्या क्या स्पेशल फीचर्स है? इनकी बॉडी लॉन्ग होती है, सिलिंड्रिकल शेप में होती है और इसकी बॉडी सेगमेंटेड भी होती है, जैसे कि हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं इस डायग्राम में छोटे 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 स्मॉल सिमिलर यूनिट्स में ये बॉडी डिवाइडेड है, तो इसके लिए हम इसको सेगमेंटेड भी बोल सकते हैं। और ये एनिमल्स फ्री लिविंग होते हैं और कुछ कुछ एक्टोपैरासाइट होते हैं। अभी हम इसके पहले जो दो फाइलम के बारे में पढ़े थे वो एंडोपैरासाइट थे। अब एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट का क्या डिफरेंस है? एक्टोपैरासाइट मीन्स एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहना, वेयर एज एंडोपैरासाइट मीन्स एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके सर्वाइव करना। ये दो डिफरेंस है एक्टोपैरासाइट का और एंडोपैरासाइट का। तो इसलिए जो हमारे एनेलिडा फाइलम में एनिमल्स आते हैं वो एक्टोपैरासाइट होते हैं और कुछ कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं। अब फ्री लिविंग जो है वो एक्वेटिक भी है एज वेल एज टेरेस्ट्रियल भी है। एक्वेटिक मीन्स पानी में रह सकते हैं, दैट इज़ कुछ
मरीन वाटर में और कुछ फ्रेश वाटर में, वेर एज टेरेस्ट्रियल मीन्स कि वो लैंड पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। और इनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मीन्स तीन लेयर से बनी हुई है, दैट इज मेसोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म प्रेजेंट है। और ये यू सिलोमेट है, यू सिलोमेट मीन्स हम बॉडी कैविटी के टाइम ही देखे थे, यू सिलोमेट मीन्स इसके अंदर ट्रू कैविटी प्रेजेंट होती है, दैट मीन्स इनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज से ही इनके अंदर कैविटी ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। और इनके अंदर एक स्पेशल फीचर है, दैट इज सीटे या फिर पैरापोडियम बोल सकते हैं या फिर सकर, डिपेंड्स ऑन कौन से एनिमल्स में क्या प्रेजेंट है, वो इनको लोकोमोशन में हेल्प करता है, दैट मीन्स लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स में लेग्स यूज होता है मूव करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वैसे ही इनमें पैरापोडिया प्रेजेंट है जो इनको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होने के लिए हेल्प करता है। और ये बायलैटरली सिमेट्रिकल है, मतलब अगर हम इसको ये एक एक्सिस से कट करेंगे, इसको इलोंगेट करके, तो ये इजीली दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। और इनकी बॉडी एक स्पेशल टाइप के क्यूटिकल से कवर्ड रहती है। अब इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, और ये हर्माफ्रोडाइट भी है एज वेल एज यूनिसेक्सुअल भी है। हर्माफ्रोडाइट जैसे कि हम अभी इसके पहले भी देखे थे, मीन्स फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही ऑर्गन में प्रेजेंट होना, वेर एज यूनिसेक्सुअल मीन्स एक अलग मेल ऑर्गन एंड एक अलग फीमेल ऑर्गन, दो अलग अलग लोगों में प्रेजेंट होना। अब इसके एग्जाम्पल हैं लीच, यहाँ पे जो हमने ड्रॉ किया है वो है अर्थवर्म, और नेरिस जिसमें पैरापोडिया भी प्रेजेंट होता है जो लोकोमोशन में हेल्प करता है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है हमारे फाइलम एनेलिडा के।